सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फोनिक्स ओरल का एग्ज़ाम देना, कैसे हमसे पूछा जाएगा और कैसे हमें उसका एग्ज़ाम देना है। तो आइए देखते हैं हम फोनिक्स का ओरल किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो ब्लैकबोर्ड पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 लेटर्स हैं और रैंडमली दिए हैं, बीच बीच में से दिए हैं कोई भी लेटर्स, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में लाइन से नहीं पूछते। टीचर कोई भी फ्लैश कार्ड दिखाती है और आपको उसके लेटर्स के साउंड बोलने होते हैं। तो अभी मैं आपको ब्लैकबोर्ड पर लिख के दे रही हूँ, एग्ज़ाम में पता नहीं ब्लैकबोर्ड पर दिए होंगे कि टीचर फ्लैश कार्ड दिखाएगी, वो तो नहीं पता, पर आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है रैंडमली बीच बीच में से। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है लेटर बी, तो आप इसका टीचर जब भी आपको दिखाएगी लेटर बी तो आपको पूरा बोलना है बी सेज ब, बी सेज ब। टीचर आपको सिर्फ लेटर दिखाएगी, ये लेटर को देखते ही आप कैसे बोलोगे, से लाउडली बी सेज ब। अगर खाली ब बोला तो हाफ मार्क्स मिलेगा, खाली ब बोला तो पूरा बोलना है बी सेज ब। ई सेज एक्स, जी जी सेज ग। पहले लेटर को पहचानना है, उसको लेटर कौन सा है पहले वो जोर से बोलना है, जैसे कि एफ, एफ सेज एच, एच सेज एम, एम सेज एल, एल सेज ल, एस, एस सेज ओ, ओ सेज आर, आर सेज र, मत करना र। तो इसी तरह से एग्जाम में कोई भी लेटर्स पूछ सकते हैं, आपको प्रिपेयर करना है सारे के सारे साउंड्स, कोई भी फ्लैश का टीचर आपको दिखा सकती है या ब्लू बोर्ड पे भी लिख सकती है। तो सबसे पहले आपको लेटर को आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेटर है, फिर उसका साउंड खुद से बोलना होगा। ओके, गॉट इट, समझ में आया? यस मैम, ओके बाय।